टुंबा तैराकी का दिखा असर, प्रशासन पहुंचा निमनी गांव, ग्रामीणों से की चर्चा। अंजुमन कमेटी और सामाजिक प्रतिनिधियों ने की पुलिस प्रशासन से चर्चा, मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश। टोटल लॉकडाउन में जारी रही अत्यंत आवश्यक सेवाएं, माल धक्का में नहीं दिखे मास्क। और सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति ने लिया निर्णय, कोरोना संकट के मद्देनजर सादगी से निभाई जाएगी पूजा परंपरा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन, और अब खबरें विस्तार से। सौंसर के ग्राम निमने और जिरोरा के बीच कन्हान नदी को तुम्बा के सहारे पार करने की बात प्रशासन को पता चली तो सौंसर एसडीएम और डीएसपी के साथ अधिकारी निमने पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर वस्तु स्थिति व हालातों का जायजा लिया। वर्षों से यहां के किसान नदी पार के गांव जिरोरा में आने वाले अपने खेतों पर काम करने इसी तरह तुम्बा के सहारे आते जाते रहे हैं। गांव वाले तुम्बा का इस्तेमाल लाइफ जैकेट की तरह करते हैं। चार चार या पांच छह तुम्बों को निहायत सुरक्षित तरीके से शरीर पर बांधकर आसानी से नदी पार करने वाले ये ग्रामीण अच्छे तैराक भी हैं। ये केवल तुम्बे के ही भरोसे नहीं होते, तुम्बा तो केवल अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण है। मूलभूत सुविधाओं का होना जरूरी है। शॉर्टकट रास्ते के लिए यहाँ पुलिया निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। प्रशासन ने मौका मुआयना किया और ग्रामीणों से चर्चा कर हालात का जायजा लिया। ये नदी के क्या नाम है? कन्हान नदी। कन्हान नदी है। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं नहीं? पुलिस कंट्रोल रूम में आज अंजुमन कमेटी के मेंबरान और सामाजिक जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में चर्चा कर कोरोना संकट काल में एहतियातों के बारे में निर्णय लिए गए। बैठक में एडिशनल एसपी शशांक गर्ग, एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी व टीआई सहित अधिकारियों ने मुहर्रम पर कोरोना संकट काल में आवश्यक सावधानियां बरते जाने के लिए विशेष बिंदुओं पर विचार विमर्श कर जरूरी निर्देश प्रदान किए। मुहर्रम त्यौहार को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें एसडीएम साहब, एडीएसपी साहब और के द्वारा तमाम मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि बुला करके उनसे मीटिंग की गई है और उनमें ये जो शासन के निर्देश हैं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में उस बारे में मीटिंग हुई है। और ये त्यौहार किसी भी तरीके से सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सकेगा, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी चल समारोह, मुहर्रम का जुलूस, ताजिया बाहर नहीं निकलेंगे। इस संबंध में जो निर्देश थे उस बारे में निर्देश बताया गया है। इसमें कुछ बिंदु पर उनकी चर्चा आई है, उस संबंध में उनको बता दिया गया कि क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है जो चर्चा के संबंध में उन्होंने आवेदन किया कि हमें ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ली है, उस संबंध में बात करी जाकर उनको बताई जाएगी। शेष महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी त्यौहार, चाहे वो हिंदू गणेश जी का त्यौहार हो, चाहे वो दुर्गा जी का त्यौहार हो, जिस तरीके से चल रहा है कोरोना को संक्रमण देखते हुए, कोई भी त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाना है। पब्लिक प्लेस में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। कोई भी ताजिए, कोई भी झांकियां बाहर नहीं रखी जाएंगी, ना इनका कोई जुलूस निकलेगा।
एक एक ताजिया है जरूर अपने घर में आदमी जो बना रहे हैं वहाँ वहीं रखेंगे और वहीं पर रखा जाएगा, सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। बात करते हैं पोला उत्सव की। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति ने इस बार कोविड संक्रमण के कारण पैदा हुई चुनौतियों के मद्देनजर सभी आयोजन अत्यंत सादगी और जरूरी सावधानियों का पालन करते हुए करने का निर्णय लिया है। समिति अध्यक्ष विजय पांडे ने पोला उत्सव को लेकर लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति विगत लगभग 10 वर्षों से जब से समिति का गठन हुआ है, हमारा जो पौराणिक त्यौहार है पोला, उसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से और अनेक व्यवस्थाएं लगातार करते हुए एक भव्य चल समारोह स्थानीय बरारीपुरा माता मंदिर से प्रारंभ किया जाता था। अब वो राजपाल चौक से होता हुआ पोला ग्राउंड पहुंचता था, जहां पर गुड़ी लेकर जो परंपरागत रूप से आदिकाल से हमारे कपाले बंधु वहां पहुंचते हैं, उन बुजुर्गों का सम्मान करने के साथ साथ गुड़ी का पूजन, बैल जोड़ियों का पूजन और हष्टपुष्ट और सुंदर साज सज्जा वाली बैल जोड़ियों को प्रतिवर्ष 3100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये का पुरस्कार, सील्ड और प्रमाण पत्र वहाँ वितरित किए जाते थे। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होते थे और एक बड़ा भव्य आयोजन पोला उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता था। इस वर्ष चूँकि कोरोना जैसी महामारी है और जिसके चलते हुए शासन के सरकार के निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, उन निर्देशों का पालन करते हुए सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि सीमित संख्या में कुछ हमारे युवा गुड़ी लेके प्रतीकात्मक रूप से पोला ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर गुड़ी पूजन के बाद और प्रतीकात्मक रूप से बैल जोड़ी का पूजन करने के बाद इस वर्ष पोला का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। किसी प्रकार की भीड़ भाड़ एकत्रित करने का प्रयास समिति के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का मेला लगाने का प्रयास समिति के द्वारा नहीं किया जाएगा। सभी समिति के सदस्यों ने आपस में सामंजस्य बनाते हुए यह निर्णय लिया है और हम जनता जनार्दन से भी निवेदन करेंगे कि अपने अपने घरों में पूरी एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से इस वर्ष सभी त्योहारों की तरह पोला का पर्व भी मनाएं और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आने वाले जमाने में ज्यादातर वाहन बैटरी से चलने वाली मशीनों पर आधारित होने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन यहां छिंदवाड़ा में तो रोशन बागड़े नामक युवक ने एक बार की चार्जिंग में 40 किलोमीटर तक चलने वाली बाइक बना भी डाली है। सौंसर के पीपला कन्हान में रहने वाले मात्र 8वीं पास युवक ने यूट्यूब देखकर बैटरी से चलने वाली बाइक तैयार की है। यह बाइक एक बार की चार्जिंग पर 40 किलोमीटर तक आसानी से चलती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड आसानी से पकड़ने वाली यह जुगाड़ बाइक इन दिनों सौंसर में चर्चा का विषय है। कैसे बनाई आपने ये गाड़ी, क्या नाम लिखते हैं पूरा? रोशन बागड़े। कैसे बनाई ये गाड़ी? बैटरी और मोटर से बनाई। बैटरी और मोटर से। ये गाड़ी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यूट्यूब से। कितने एक बार चार्ज करने में कितनी किलोमीटर चलती है? 30 किलोमीटर। कैसे बनाया इसको? बैटरी और मोटर। बैटरी और मोटर से बना। हाँ। कितना समय लगा इसको बनाने में? 6 महीने। इसके बाद में और क्या करना चाह रहे हैं गाड़ी में? मॉडिफाई करना है और स्पीड बढ़ाना है। टोटल लॉकडाउन में सारा दिन पुलिस के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। शहर के सभी प्रमुख चौराहों तिराहों पर वाहनों की चेकिंग जारी रही। पुलिस की गश्ती गाड़ियां भी कॉलोनियों व रिहायशी इलाकों पर नजर बनाए हुए थी। बस स्टैंड, फवारा, ईएलसी चौक, सत्कार तिराहा, सर्किट हाउस चौक, यातायात थाना, देहात थाना, परासिया रोड और कुंडीपुरा थाने के सामने पुलिस की टीमें ड्यूटी पर चाक चौबंद रही।
खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर का सारा दारोमदार जिन पर है उन कार्यालयों पर गौर किया हमारे कैमरामैन ने तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गुजरे जमाने का रिवाज था जो कई सालों पहले पर्दा प्रथा के नाम पर बेपर्दा हो चुका है। फ्रीडम के नाम पर घूंघट जो कब का कुर्बान हो चुका है वो घूंघट इन दोनों नगर निगम के योजना कार्यालय ने बाकायदा ओढ़ रखा है। दरअसल बारिश में जगह जगह से टपकती छत में यह पन्नी का घूंघट वहीं शोभायमान है जहां से पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करने की घंटी बजी थी। कोरोना संक्रमण के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि कोरोना से स्वस्थ होकर सही सलामत घर लौटने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश फिलहाल तो नहीं है। टोटल लॉकडाउन की पूरी अवधि में एकमात्र रेलवे की गुड्स सेवाएं ही थी जिनके चलते अनाज और जरूरी सामग्री हम तक पहुंचती रही। लेकिन अब जबकि कोरोना संक्रमण के हर प्रकार के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, सावधानी हर जगह बेहद जरूरी है। तब लॉकडाउन में मास्क ही गायब दिखा वहां जहां देश भर से बोरियों में माल आता और देश भर में जाता है। जी हां, ये नजारे हैं छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में माल धक्का यानी रेड पॉइंट के, जहां ढेर सारे लोग बिना मास्क काम करते साफ दिखाई दे रहे हैं। ये मजदूर हैं, खून पसीना बहाकर 2 जून की रोटी कमाते हैं, लेकिन जान इनकी भी है। कोविड जो अच्छे अच्छों के महल और तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर लोगों की बेवक्त मौत की वजह बना हुआ है, उसकी पहुंच यहां नहीं होगी यह सोचना कहां तक जायज है। शहर में कई सदस्य हैं बड़े फिक्र वाले, बड़े समाज सेवी, मास्क फ्री में भी बांटने वाले, सैनिटाइजर देने वाले भी हैं, लेकिन माल धक्का पर कृपा दृष्टि ना पहुंच पाई, हैरत है।
हमने तो समझाइश दे डाली, पर हमारे पास निःशुल्क मास्क ना थे, वरना हम भी देकर ही आते। शहर की सड़कों को बीच से खुदाई कर सीवर लाइन डाली जा रही है। गली मोहल्लों में कुछ जगहों पर सीमेंट कंक्रीट की फिलिंग की गई है, कुछ जगहों पर मिट्टी गिट्टी और गड्ढे हैं, तो वहीं कम से कम मुख्य मार्गों में अच्छा काम नजर आया है। जी हाँ, अगर सीमेंट कंक्रीट भरा गया और कभी जरूरत पड़ी तो फिर खुदाई और तोड़फोड़ ना करनी पड़े। इसके लिए निर्माण एजेंसी ने अब चेकर टाइल्स लगाने का निर्णय लिया है। जब भी जरूरत हुई ये चेकर टाइल्स आसानी से निकाले तो जा सकेंगे। चेकर लगाने से रोड ठीक हो जाएगी, कॉन्क्रीट भी डालते हैं बार बार निकल जाता है। दीनदयाल रसोई टोटल लॉकडाउन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय लॉकडाउन में समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण बनी। खबरों की सुर्खियों में रही, लेकिन इन दिनों अचानक ही सिक्के का वो पहलू सामने आया जिस ओर से देखने पर सिक्का खोटा दिखाई देता है। वादों और दावों की सच्चाई आखिर कब तक चलती? 5 रुपयों में और क्या मिलेगा? बस शिकायत इस बात से है कि जो मिले, जितना मिले, साफ, स्वच्छ और ताजा हो, क्योंकि कई जिंदगियां विश्वास करके इसी भोजन से पल तो रही हैं। कितने रुपए का पैकेट लिया आपने? 5 रुपए। क्या क्या है उसमें? देने वाले सब्जी चावल। लिखे नहीं आपने क्या क्या उसमें? सब्जी चावल, रोटी। कितनी रोटी है? 2। कितने का लिया आपने पैकेट? 5 रुपए। क्या क्या है उसमें? रोटी चावल सब्जी। रोटी कितनी है? रोटी 3। 3 रोटियां। कितने रुपए मिला आपको? 5। क्या क्या मिला इसमें आपको? चावल मिला, सब्जी। पैकेट कितने का लिया आपने? पैकेट नहीं लिया, वैसे ही मिलता है मेरे को, विकलांगों वैसे मिलता है। हाँ। क्या क्या रहता है उसमें? इसमें सब्जी और 2 चार 3 रोटी। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सिटी हलचल की सुर्खियां, अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। तुम्बा तैराकी का दिखा असर, प्रशासन पहुंचा निमनी गांव, ग्रामीणों से की चर्चा। अंजुमन कमेटी और सामाजिक प्रतिनिधियों ने की पुलिस प्रशासन से चर्चा, मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश। टोटल लॉकडाउन में जारी रही अत्यंत आवश्यक सेवाएं, माल धक्का में नहीं दिखे मास्क। और सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति ने लिया निर्णय, कोरोना संकट के मद्देनजर सादगी से निभाई जाएगी पूजा परंपरा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।